इसी का इसका सब्जेक्ट है, इसमें तीन सब्जेक्ट है, मैथ साइंस सोशल साइंस। अच्छा, मिलेगा, लेकिन जो बच्चे कम अंक लाएंगे उनको प्रेरणा मिलेगी। बैठ जा, ले लेना, मेरा हक है तो मैं ले सकती हूँ। अच्छा, यानी उम्मीद है कि हम भी पास करेंगे 99 नंबर। उत्तेजना उत्पन्न होगा कि थोड़ा सा मैं भी। जीव विज्ञान पढ़े हो? जीव विज्ञान में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? मैं कुछ नहीं लेगा, तो 80 से ऊपर आएगा। अच्छा, और आगे जाकर क्या बनना है तुमको? सोशल साइंस मैथ। अच्छा, कितने नंबर का सवाल है इसमें? 100 नंबर। है मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर हैं रफीगंज से सुदूर इलाका होने के कारण, रफीगंज से काफ़ी दूर है, लमसम 8 किलोमीटर के एवरेज है, तभी भी यहाँ के जो है आयोजन कर, इनके बीच पुरस्कार वितरण कर और बच्चों के बीच में से हौसला बुलंद करेंगे। तो सर से जानकारी लेंगे कि आखिर क्विज प्रतियोगिता में जो है कितने नंबर का सवाल है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो वह कौन कौन सा सब्जेक्ट से है, साइंस से है, सोशल साइंस से है, मैथ से है, संस्कृत से है, इंग्लिश से है, और अन्य जीके जीएस से सवाल है, आखिर किस सब्जेक्ट से सवाल है, किस लेवल का सवाल है, और कौन कौन से क्लास के यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता में शामिल है बच्चे। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है सर। जी, सबसे पहले परिवर्तन न्यूज का स्वागत है सर। सर, यहाँ पर जो है रफीगंज से सुदूर इलाका होने के कारण बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे डेवलप नहीं कर पाते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आप लोगों ने क्विज प्रतियोगिता लाकर बच्चों के बीच में जो मोटिवेट करने का जो काम करे, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आखिर सर, यहाँ किस किस क्लास के यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता की जाए? सबसे पहले क्लास का सर है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 क्लास का है सर। सर, क्विज प्रतियोगिता का मतलब क्या उद्देश्य होगा आप लोग का? सबसे पहले उद्देश्य है सर कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो शिक्षा का बहुत महत्व लोग नहीं समझते हैं, बहुत सी सोचते हैं कि ऐसे वैसे, इस चलते जो बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जो हमारे प्रखंड लेवल तक ही बच्चे आए हैं सर। कितना प्रखंड से आए हैं यहाँ? करीब करीब बच्चे हैं 700-800 है सर। जी, यहाँ सर कौन कौन सा लेवल से सवाल पूछा गया है इस प्रतियोगिता में? ए सर, 6 का है तो 6 का ही क्वेश्चन है, 7 का है तो 7 का ही है, 8 का है तो 8 का ही सिलेबस से पूछा गया है, 9th का है तो 9th का ही सिलेबस से पूछा गया है सर। अच्छा। और 10th का जो सिलेबस है वही सिलेबस से पूछा गया है। अच्छा। जिसमें मैथ आपका है 34 नंबर का, 33 नंबर का साइंस है और 33 नंबर का सोशल साइंस है सर। अच्छा, यानी टोटल 100 नंबर का है सवाल। अच्छा, तो कितने नंबर पर पास है यहाँ पर? पास 70 सर, 70% लाने पर यहाँ बच्चों को प्राइज दिया जाएगा। सेकेंड जो है प्रतियोगिता एग्जाम में वीक्षक लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर प्रतियोगिता एग्जाम कराने का आइडिया इन्हें कहाँ से आया। तो सर, प्रतियोगिता एग्जाम कराने का आपके पास यह दिमाग कहाँ से आया? लोग भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं जब हम लोग इस पढ़ाई से रिलेटिव जब जुड़े थे, तो उस समय में हम लोग को ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था जिससे हम लोग एक अच्छा शिक्षा प्रदान कर सके, और पढ़ाई के लिए हम लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, गांव में तो ऐसी सुविधा थी नहीं कि हम लोग उसको पढ़ें। दूसरी बात, आज की जो सर एग्ज़ाम लेवल कोई भी हो, सरकारी संस्था में अगर बच्चों को जॉब की ज़रूरत होती है तो उनको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, और हम बहुत सारे बच्चे में होते हैं, तो इन हेजिटेशनों को दूर करने के लिए हमें सभी शिक्षकों ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाले कि हम सभी मिल करके उन बच्चों को वैसा राह दिखाएं जिन राह से वो डरते हैं। अगर उस राह को हम अपने गांव क्षेत्र में ही अगर अच्छी तरीके से सुनिश्चित तरीके से करवाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा बच्चे के अंदर से जो कंपटीशन का डर होता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। बस इन्हीं सब। और यहाँ पर जो है वीक्षक लोग से बात करेंगे, एक वीक्षक के तौर पर जो है मैम है, उनसे बात करेंगे कि आखिर कराने का क्या मतलब मोटिव है। आप क्या कहेंगे मैम इस? मैं यही कहूँगा कि 6 से 10 तक एग्जाम हो रहा है। जी जी। और 100 नंबर का है। किस का एग्जाम दे रहे हो तुम छोटे? कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। कौन सा कंपटीशन? साइंस सोशल मैथ का है। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट से है? मैथ, सोशल साइंस और साइंस। अच्छा, कितने नंबर का सवाल है? 100 नंबर का सवाल है। अच्छा, किस एजुकेशन के तहत जो है यह प्रतियोगिता एग्जाम करवाया जा रहा है? सरस्वती सोल्यूशन। अच्छा, आखिर कहाँ पढ़ती हो तुम? पोगर। पोगर में? राजकीय मध्य विद्यालय पोगर। अच्छा, किस क्लास में हो अभी? अभी 10th में है। 10th में है, 10th के एग्जाम देना है इस बार? हाँ, देना है। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है, 100 में से कितना नंबर लाओगे तुम? 80 आ सकता है। अच्छा, यानी लैपटॉप ले लेना है? लैपटॉप नहीं लेंगे, मतलब 80 से ऊपर आएगा। अच्छा, और आगे जाकर क्या बनना है तुमको?
आगे जाकर उद्देश्य होगा ना, कोई कुछ की होगी ना अपना हॉबी, इंजीनियर है? इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर बनना है। आप लोग क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे बाबू? पुलिस। पुलिस बनोगे? कहाँ है पुलिस बनोगे भाई? देश की सेवा करना है। देश की सेवा पुलिस से बने कि राज की सेवा होगा उससे हो? देश की सेवा है? देश की सेवा होगा। तो देश की सेवा पुलिस बन के होगा? वही बन। बताओ यार कौन क्लास में पढ़ते हो अभी? टेंथ में। देश के सेवा बनता है आर्मी बन के, अगर आर्मी बनोगे ना तब देश के सेवा करोगे, अगर पुलिस बनोगे तो राज की सेवा करोगे, ठीक है याद रख ले रहना। और दिखा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो है इस सरस्वती सॉल्यूशन के तरफ से जो है प्रतियोगिता एग्ज़ाम, क्विज प्रतियोगिता एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता में काफ़ी सारे सवाल पूछे तो इन्होंने जवाब दिया और अच्छे बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। तुम किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो बाबू? टेंथ का है। टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हो? इस वक्त टेंथ का एग्ज़ाम देना है? यस सर। अच्छा कितने नंबर का सवाल है? 100 नंबर का है। 100 का। 100 नंबर का है। कौन कौन सब्जेक्ट से है? साइंस, सोशल साइंस, मैथ। अच्छा ये तीन को देना है, जितना हमको आएगा उतना बनाएंगे। अच्छा। और जितना आएगा अपना क्षमता से बना रहे हैं। अच्छा कितना नंबर लाना है? जितना हम पढ़े हैं उतना लाएंगे, आप अपना से तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा जितना हम बनाएंगे उतना शायद देंगे अपने तरफ से। ठीक है, यानी 100 में कितना नंबर लगभग लाना है? लगभग ला देना है 75-75 जितना आएगा हमको। यानी लैपटॉप ले लेना सर से? हाँ मिल जाएगा तो बढ़िया है। अब हम इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करोगे तभी ना। हाँ तो मेहनत कर रहे हैं लेने के लिए सर। हाँ लेने के लिए कर रहे हो कि अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए कर रहे हो? माँ बाप का सपना तो पहले पूरा करेंगे हम इसके लिए। तू कहा क्या लैपटॉप लेके रहेंगे? नहीं माँ बाप ने कह है कि जाओ कुछ तो करेगा ना, तो हम ये कह रहे हैं। ठीक है पढ़ाई किस लिए किया जाता है बताओ? पढ़ाई किस लिए? अपने भविष्य के लिए, माँ बाप का रोशन करने के लिए। माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए शिक्षक लोग जो है आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है तो तैयारी में रहना है कि हमको लैपटॉप ले लेना है प्राइज के रूप में। तना गांव के, कहाँ घर हुआ आपका? पोगर हुआ। मैं पोगर करो, चले बैठिए। तुम किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो बाबू? यही यहाँ का जो परीक्षा हो रहा है उसी का एग्जाम दे रहे हैं। किस चीज़ का? किस चीज़ का? इसका सब्जेक्ट है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अच्छा तो कितना नंबर का सवाल है? पूरे 100 नंबर का सवाल है। कितना नंबर लाने का है मकसद? वो तो अब रिजल्ट ही बताएगा कितना नंबर मेरा आएगा। कितना नंबर लगभग? लगभग तो हम नहीं बता सकते हैं। अब होगा ना कि हम इतना नंबर लाएंगे? ऐसे तो 90 तक का अनुमान है। अच्छा यानी लैपटॉप ले लेना है। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट आएंगे तो लैपटॉप मिलेगा। अच्छा। लेकिन अगर यहाँ का ऐसा नियम लागू होगा तब तो जरूर मिलेगा। अच्छा। अगर फर्स्ट आए तब। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? अभी तो 9th में, इस बार एग्जाम देकर 10th में चले जाएंगे। तो देखो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, बच्चों का जो है हौसला बुलंद है कि हम भी जो है फर्स्ट लाकर और लैपटॉप लेकर रहेंगे। बैठ जाइए बैठ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है दूसरे क्लास में आया, जिसमें काफ़ी सारे जो एक नहीं सैकड़ों बच्चे जो है यहाँ पर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो है क्विज प्रतियोगिता का एग्ज़ाम। किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो छोटे? प्रतियोगिता का एग्ज़ाम। कौन सा प्रतियोगिता एग्ज़ाम है? 10 है। 10 टेंथ का? टेंथ में पढ़ती हो? हाँ। टेंथ के लेवल से क्वेश्चन होगा इसमें? सीएस। हैं? कौन कौन सा लेवल से क्वेश्चन है इसमें? साइंस, सोशल साइंस, मैथ। अच्छा कितने नंबर का सवाल है इसमें? 100 नंबर। 100 नंबर? कितने नंबर लाने का मकसद है आपका? 90+। 90+ लाओगे? यस सर। यानी लैपटॉप ले लेना है आपको? यस सर। एकदम ले लेना है? यस सर। और आगे जाकर क्या बनना है आपको? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस? यस। देश की सेवा करना है कि राज की सेवा करना है? देश राज दोनों। ए तो बिहार पुलिस बन के राज की सेवा ना किया जाता है? यस सर। तो तू बोले कि देश और राज दोनों करना है सेवा? तू बोले कि देश की भी सेवा करना है? राज की करेंगे सर। राज की सेवा करना है? कौन सा राज? बिहार की, उत्तर प्रदेश? बिहार राज। तो यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस बनने का जो इसका मकसद है, और सब पूछ। 10th क्लास से। 10th क्लास के? यस सर। कितना नंबर का सवाल है इसमें? 100। 100 नंबर में से कितना नंबर लाओगे तुम? मेरा तो 99% सही। 99 लाओगे? सर अब हम बना रहे हैं सर, इसका आ सकता है, मेरा उम्मीद है। अच्छा यानी लैपटॉप सर से ले लेना है? मेरा हक है तो मैं ले सकती हूँ। अच्छा यानी उम्मीद है कि हम भी पास करेंगे और 99 नंबर ला कर आएंगे? यस सर। आगे जाकर क्या बनोगी तुम? हमें डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बनकर क्या करोगी? लोगों की सेवा। चलो इसके लिए ताली बजा दो कि डॉक्टर बन के जो है
अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि अपने समाज की सेवा करना पसंद नहीं करते हैं और इस समाज की सेवा करना चाहते हैं। आप क्या कहेगी मैम इस क्विज प्रतियोगिता एग्जाम के बारे में? इस प्रतियोगिता में बच्चों को बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जी। यहाँ पर काफ़ी जो है मैम भी उत्साहित दिख रही है और कह रही है कि इस प्रतियोगिता एग्जाम में जो है बौद्धिक क्षमता के विकास में योगदान होता है। बैठ जा। यहाँ पर भी देख रहे हैं अभी क्लास के जो है पोगर में जो है तीसरे रूम में आए हैं। तीसरे रूम में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं और बच्चे जो है प्रतियोगिता एग्ज़ाम जो सरस्वती सॉल्यूशन के माध्यम से लिया जा रहा है ताकि बच्चों में उत्साह भरे, उत्साह वर्धन के लिए जो है प्रतियोगिता एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं काफ़ी सारे बच्चे हैं। किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, किस चीज़ का प्रतियोगिता एग्ज़ाम दे रहे हो तुम? बोलो। कौन से क्लास में पढ़ती हो? टेंथ क्लास में। कितने नंबर का सवाल है इसमें? 70 नंबर। 70 नंबर के सवाल है? 100 नंबर। कितने नंबर का सवाल है इसमें? 100 नंबर। अच्छा, कितने नंबर लाने का उम्मीद है? कितना नंबर लाओगी? 70। ए कौन बोल रहा है 70? आवाज़ टान लेता ना इसमें। अच्छा कौन बोलोगे अच्छे से? किस चीज का एग्जाम दे रहे हो छोटी? टेंथ का एग्जाम दे रहे हो? हाँ। कितने नंबर का सवाल है? 100 नंबर का। 100 नंबर का। किस किस सब्जेक्ट से सवाल है? मैथ साइंस SST का। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ती हो तुम? टेंथ क्लास में। यही कहाँ? कोटवारा गाँव में। कोटवारा में। अच्छा, तो मतलब 100 में कितना नंबर लाने का उम्मीद है? उम्मीद तो करके आए हैं सर। कितना? कम से कम 80-90 तक आ जाए तो। 80 नंबर लाना है? हाँ, उम्मीद तो करके आए हैं। अच्छा, मिस्टेक हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में। और आगे जाकर क्या बनना है आपको? हमको वो तो आगे जाके पढ़ लिख के कुछ बने करेंगे। क्या चीज़ होगा ना कि हम क्या बनेंगे? शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश की सेवा करना है। क्या है मोटिव आपका? हमको बनना है रेलवे का ड्राइवर। ड्राइवर बनना है? हाँ। तो साइकिल चलाना जानती हो? हाँ। मोटरसाइकिल जानती हो? उन्हें चलाते हैं, मगर साइकिल चलाते हैं। ऐसे डायरेक्ट ड्राइवर बन जाओगे रेलवे के? आगे चल के चलेंगे। अच्छा, चलो बैठो एग्जाम दो और देखते हैं। आप क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे हो छोटे? बोलो। क्लास 10th का। अच्छा, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से सवाल है आपका? SST साइंस और मैथ। अच्छा, सोशल साइंस में क्या चीज़ अध्ययन किया जाता है? सोशल साइंस में मतलब कि क्वेश्चन से मतलब कि रिलेटेड थी। क्वेश्चन से 10th में जो है सोशल साइंस पढ़ी होगी? हाँ। क्या अध्ययन किया जाता है सोशल साइंस में? सोशल साइंस में अध्ययन मतलब जो हो रहा है देश में वो सबका अध्ययन किया जाता है। अच्छा ठीक है। विज्ञान पढ़ी हो? यस पढ़े। जीव विज्ञान पढ़ी हो? जीव विज्ञान में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान मतलब जीव ये सब जो होता है अध्ययन किया जाता है। अच्छा चलिए एग्जाम तो कीजिए आराम से। और यहाँ पर जो है शिक्षक हैं, शिक्षक से संपर्क करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है बच्चों के बीच में जो है किस उद्देश्य से जो है एग्ज़ाम दिया जा रहा है अब प्रतियोगिता एग्जाम के बारे में? सर इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि बच्चों से कंडक्ट क्लास जो है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th का है। कंडक्ट इसलिए किया जा रहा है कौन लड़का पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा, किस स्थिति में है उस सुधार किया जाएगा। अच्छा, किस तरह से पढ़ रहा है, कितना लड़का तो यहाँ पे सर उसको फिलअप मतलब वो मार्कशीट भी फिलअप नहीं करने आ रहा है। कभी रोल नंबर नाम की जगह फिलअप कर दे रहा है, नेम की जगह रोल नंबर फिलअप कर दे रहा है। यहाँ पर जो है शिक्षक लोग भी काफ़ी सारे जो हैं लड़कों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए है सभी लोग तत्पर रहते हैं। कहते हैं हमने पहले ही बता दिया था कि अगर बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेणी में अगर आते हैं तो सबसे पहले शिक्षक ही आते हैं। अगर शिक्षक का जो योगदान है समाज में सब सर्वप्रथम होता है। अगर समाज को इतिहास रचना है, अगर समाज को जो है सही दिशा में ले जाना है, उस समय शिक्षक का योगदान होता है। एक नहीं सैकड़ों बच्चे जो है यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता का एग्जाम दे रहे हैं। किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो बाबू? मैथ्स। किस चीज़ का एग्जाम है? रैंकिंग मतलब एक रैंकिंग टेस्ट का जैसा एग्जाम में होता है। हाँ। तो इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है 100 को। हाँ। उसमें से आपको बनाना रहता है मतलब 100 में 100 बनाना है। इसमें निगेटिव मार्क नहीं रहता है। अच्छा। हाँ। कौन कौन सा सब्जेक्ट से है सवाल? इसमें है मैथ साइंस और सोशल साइंस। अच्छा, कितना नंबर लाने का उम्मीद है आपका?
सर 80 अभव चल जाएगा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th पढ़ते हैं सर। कहाँ पढ़ते हैं? गया पढ़ते हैं। कौन सा एडमिशन कौन सा कॉलेज में आपका? कॉलेज में अभी नहीं, मतलब कौन सा हाई स्कूल में है? अभी हाई स्कूल पर घर पे है, उत्कर्मिक उच्च विद्यालय। कहाँ कौन सा? घर मेरा है तो बिझारी है और कराई मेरा एडमिशन है। अच्छा, यानी गया से आप एग्जाम देने आए हैं? यस सर। क्या मोटिव है आपका बनना? मैं सर मेरा तो मतलब ऐसे सोच रहे हैं जनरल में जाने के, लेकिन पर पापा के मतलब बोल रहे हैं कि मतलब नीट उट करो, इससे कुछ आगे करो। चलिए, बढ़िया बात है, आपका कार्य शुभ हो। और यहाँ पर जो है बच्चिया से भी सवाल करेंगे कि आखिर वो किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रही है, किस का एग्ज़ाम दे रही है छोटी तुम? आए किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो तुम? सेवन क्लास का। सेवन क्लास का? यस। कितने नंबर का सवाल है? 100 नंबर का। 100 नंबर का सवाल है। yes. कहाँ पढ़ती हो तुम? पौथू मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय ग्रामीण पौथू, मतलब। अच्छा। और यहाँ के शिक्षक से संपर्क करें कि आखिर किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया जा रहा है और शिक्षक से क्या बोलेंगे, आप क्या कहेगी मैम इस एग्ज़ाम के बारे में? ठीक हो रहा है, और क्या? क्या आखिर क्यों आप करवा रहे हैं क्विज एग्जाम? ये बच्चों का मतलब सीखने के लिए कुछ, यहाँ आगे चल के सीखना है इनको भी, तो उसी वजह का प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसे कुछ किया जा रहा है। अच्छा, क्या चीज़ सीखना है? एग्ज़ाम मतलब कैसे होता है, ये सब कुछ सीखना। अच्छा, तो मैम भी अच्छे से सवालों का जवाब दी, आप क्या कहेंगे सर इस एग्ज़ाम के बारे में? देखिए, एक यूज़ कराने का एक ऐसा मोटिव है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लेवल को नहीं बता पाते हैं, तो शुरू से ही प्रयास है हम लोगों का कि मतलब कि शुरू से इन लोगों का हर चीज़ को दिखाया जाए कि आगे चलकर, क्योंकि आने वाला कंपटीशन बहुत सारा है आगे में, तो इसलिए इस कंपटीशन को लेकर क्यों ना बच्चों को अभी से ही प्रेरित किया जाए, इस चीज़ को आगे चलकर इन लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और अगले क्लास मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक नहीं सैकड़ों बच्चे जो है, यह पोकर में जो क्विज प्रतियोगिता का जो है पाँचवा रूम है, पांचवा रूम में भी जो है एक नहीं सैकड़ों बच्चे भाग ले। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह क्विज एग्जाम में एक नहीं सैकड़ों बच्चे प्रतिभागी बनकर इस प्रतियोगिता एग्जाम को दे रहे हैं और अधिकतर बच्चों का उम्मीद है कि लैपटॉप लेकर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों से पूछेंगे कि आखिर किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो बाबू तुम? विद्या विहार कंपटीशन का। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th क्लास में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? पोगर। ओगर में, यही विद्यालय में? यस सर। अच्छा, तो कितना नंबर का एग्ज़ाम है? 100। 100 में कितना नंबर लाना है? 95 नंबर। कौन कौन से सब्जेक्ट से है? सोशल साइंस, साइंस, मैथ। अच्छा अच्छा, 10th में पढ़ते हो। साइंस के, साइंस में कितने भाग होते हैं? साइंस में 3 भाग होते हैं। हाँ, कौन कौन सा भाग होते हैं? रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान शास्त्र। तो जीव विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है? जीव विज्ञान में थोड़ा जीव विज्ञान यानी जीव के बारे में। यस सर। जीव के बारे में पढ़ाया जाता है ना, ये सब याद रखना, बैठ जाओ। आगे जाकर क्या बनोगे तुम? आगे सर अभी तो कुछ ना अच्छी नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, जो भी सवाल का जो जवाब पूछा जाए तो उसमें कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? और उसको कॉन्फिडेंस के साथ याद रखो कि हमें क्या बनना है और कौन सा सवाल, कौन सा जो मैं विषय पढ़ता हूँ उस विषय का जो है किस चीज़ से अध्ययन लिया जाता है, ठीक है? उसका ख्याल रखना। और यहाँ पर जो काफ़ी सारे बच्चे हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किस चीज़ से रिलेटेड यह एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो बाबू तुम? कितने नंबर का एग्ज़ाम है? 100 नंबर का है। तो और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, सर इस क्विज प्रतियोगिता एग्ज़ाम कराने का क्या पर्पस है? पर्पस है लोगों में कॉम्पिटिशन समझे, आने वाले दिन कॉम्पिटिशन का ही है, लोग समझे कि भाई कि प्रतियोगिता मेरा किससे होने जा रहा है। लोग तो पहले स्कूल में ही 15-20 बच्चे होते हैं, स्कूल में मान लो 50 होते हैं, यहाँ कंपटीशन हो रहा है एक क्लास में कम से कम 100 पे, 4 गुना बढ़ रहा है, वो समझ में आएगा बच्चों को कि हम कितने पानी में हैं, कम से कम ये तो समझ में आएगा सबको, इसलिए प्रतियोगिता हो रही है। हर साल होता है यहाँ पे प्रतियोगिता। अच्छा, यहाँ पे हर साल होता है प्रतियोगिता? हाँ, हर साल होता है प्रतियोगिता यहाँ पे, हमारे सर ये करवाते हैं, हमारा हर साल प्रतियोगिता। आपका शुभ नाम सर? इम्तियाज़ जफर हुआ मेरा नाम। तो और यहाँ पर जो है शिक्षक के साथ साथ एक मैम भी उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर प्रतियोगिता का क्या पर्पस है, क्या आप बताएगी मैम प्रतियोगिता के बारे में? ये बच्चों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए है, जो कंपटीशन में अभी से तैयारी होगा तो इन लोगों को आगे के लिए सही होगा। अच्छा, तो यहाँ पर का तुम क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे हो छोटे? कंपटीशन का। कितने नंबर का एग्जाम है? 100 नंबर का है। कितना नंबर लाने का उम्मीद है आपका? 70 से ऊपर है सर। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 में बांटा गया है। 3। कौन कौन सा भाग? रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और
रसायन शास्त्र जीव विज्ञान फिजिक्स भौतिक भौतिक में क्या पढ़ाया जाता है? भौतिक में पढ़ाया जाता है सिर्फ दर्पण, परिवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत, विद्युत धारा। आगे जाकर क्या बनना है तुमको? सर अभी तो 10th ही पढ़ रहे, आगे पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया जवाब दिया और इसी तरह से मेहनत करो, ठीक है। जो बच्चे हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किस चीज़ का एग्जाम दिया जा रहा है। किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो छोटी तुम? 10th क्लास का। विद्याभ्यास पब्लिक स्कूल 100 नंबर का सवाल है। तो किस क्लास में तुम पढ़ती हो अभी? 10th क्लास। कहाँ पढ़ती हो? पोगर। पोगर में है? यस सर। तो कितने नंबर लाने का उम्मीद है आपका? इतना अनुभव तो नहीं है सर। अच्छा, सामाजिक विज्ञान पढ़ी हो? यस सर। सामाजिक विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है? सामाजिक विज्ञान को तीन है? तीन कैसे? चार। भाग का नाम बताओ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक और एक है ना? यस सर। नाम बताओ। नहीं याद है सर, भूल गए। और कौन भाग बचा हुआ है सर? हो गया। चलिए ठीक है, बैठो और इसी तरह से मेहनत करो, बताएंगे और आगे जो है रूम में बचाएंगे। बैठ जाइए। यहाँ पर भी जो है क्विज प्रतियोगिता का जो है यह 6th नंबर रूम है। यहाँ पर जो 6th रूम में भी आप देख सकते हैं, एक नहीं सैकड़ों बच्चे जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रतिभागी एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने हिम्मत एवं हौसला जो है बुलंद करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। आखिर क्यों एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई? हमें अपने गांव का नाम रोशन करना, हमें अपने प्रखंड का नाम रोशन करना, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और शिक्षक वही उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि आखिर मेरा जो है बच्चा, मेरा जो मैं टीचर हूँ किसी का, वो मेरा बच्चा जो है वह गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, इसीलिए शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे से सवाल करेंगे कि आखिर किस चीज़ से सवाल किया गया है। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 9th क्लास। 9th क्लास में? यस। किस लेवल सा सवाल है इसमें? बुक लेवल्स। कौन कौन सा बुक से है, सब्जेक्ट से? सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। मैथ्स से? अच्छा, तो मैथ के जो है 9th में कितने भागों में बांटा गया? मैथ्स को सब्जेक्ट्स। हाँ, सब्जेक्ट में मैथ में सिर्फ होगा ना 22। कौन सा कौन कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रायिकता, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन, शंकु, अर्धगोला सभी आता है, और घनाभ, घातांक, वर्ग, वर्गमूल, बीजीय व्यंजक, समीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति आदि सब बहुत सारे हैं। बैठो, एग्जाम दो। कितने नंबर लाने का उम्मीद है तुमको? उम्मीद तो है मुझे कि टॉप 1 लाऊं। अच्छा, टॉप 1 लाने का उम्मीद है। चलो इसी तरह से मेहनत करो और एकदम कॉन्फिडेंस होकर जवाब देना। कोई भी अगर सवाल पूछे कॉन्फिडेंस होकर उसका सवाल का जवाब दो। और यहाँ पर जो बच्चे हैं इनसे इनसे उसे तो यहाँ पर जवाब देंगे। किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो तुम छोटे? मैथ, सोशल साइंस, 3 सब्जेक्ट का। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट है? सोशल साइंस, मैथ और साइंस। अच्छा, तो सोशल साइंस में जो है कितने भागों में बांटा गया? सोशल साइंस के 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग? पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। और अच्छा, तो सिविक्स में क्या चीज़ पढ़ाया जाता है? सिविक्स में राजनीतिक शास्त्र ये सब होता है। अच्छा, उसमें हम लोग नहीं आ रहे राजनीतिक शास्त्र के बारे में आपको ना पता है? ऐसे हम लोग अपना जो मुखिया ये सब होता है वो सब को जानकारी होता है, ये सब जाति वोट देने वाला ये सब के बारे में। उससे सवाल आया है इसमें? हाँ सर, आया है। क्या को सवाल है? लगभग 2 या 5 ठो कुछ है इसमें है सवाल। हाँ सर। यानी पढ़ने का पता चलता है कि हमें पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हाँ सर जी। अच्छा, इसलिए पढ़ाई जो है शिक्षा वह है, शिक्षा वह श्रेणी का गुण है जो पिता है वही धारता है, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा ना हमसे कोई ले सकता है, ना छीन सकता है, ना बांट सकता है, इसलिए हमें शिक्षा हमेशा ग्रहण करना चाहिए। बैठो। और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। हाँ मैडम, कहने चल गई जो शिक्षक ले रही थे ना, मैडम से दूध यहाँ पर दे रही थी ले चालू है ना। सर, ये सब प्रतियोगिता एग्जाम के बारे में क्या बोलेंगे? सर, सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद जो ये सभी बच्चों के पास आप टाइम निकाल के आए। देखिए, प्रतियोगिता एक जो है से व्यक्ति के जो भावना, जो पढ़ने का मन इच्छा है उसको जगाता है। प्रतियोगिता का अर्थ ही होता है जो अपने इच्छा को
मैंने हम कितना व्यक्ति में कितना स्थान रैंक आता को प्रकट करना, हाँ प्रकट करना, यही प्रतियोगिता हुआ। और इस प्रतियोगिता से बच्चों के बीच में जो पढ़ने का जो अथी है ना, जागृति जो उत्पन्न होता है, और इसको सभी में हम लोग फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे ट्यूशन से भी लोग लेकर आए हैं जो अच्छे खासे हैं और जो पढ़ाए हैं। और सर इसका मुख्य परस्पर बताइए ना, उतना मेरे ट्यूशन से बस यही है कि लोगों के जो टेंथ क्लास जो जिसे टेंथ क्लास तक हम लोग ले रहे हैं, तो टेंथ क्लास तक जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में जो परीक्षा में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं, और यही मेन पर्पस है इसका। और यहाँ पर जो है एक और है, उसमें चलेंगे, मन करो बैठे बैठे। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्विज प्रतियोगिता के जो है एक नहीं, यह सातवां रूम है। मैंने पहले ही कहा था कि क्विज प्रतियोगिता में जो है एक नहीं सैकड़ों बच्चे भाग लिए हैं, और सैकड़ों बच्चों में देख रहे हैं सातवां रूम में भी सैकड़ों बच्चे हैं। और यह एग्ज़ाम का जो है, यह जो क्विज प्रतियोगिता जो परीक्षा है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है, यह उद्देश्य हम जानेंगे यहाँ पर जो वीक्षक के तौर पर जो हैं उनसे जानकारी लेंगे। और बच्चे से पहले हम जानकारी लेंगे आखिर वे एग्ज़ाम किस चीज़ का दे रहे हैं, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो छोटी, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो छोटी? तो बिहार विद्या पब्लिक द्वारा कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं इसे। अच्छा बोलिए बोलिए। इससे हमारे रजिस्ट्रेशन दूर होगा। अच्छा, और किस क्लास में पढ़ती हो तुम? टेंथ। टेंथ क्लास में पढ़ती हो? हाँ। कितने नंबर का सवाल है? 100। 100 नंबर का सवाल है? हाँ। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है? साइंस, एसएसटी और मैथ। अच्छा, मैथ में जो है मतलब कौन सा जो है कौन सा किताब से पढ़ती हो तुम? मैथ एनसीईआरटी और भारतीय भवन। अच्छा, एनसीईआरटी में जो है कितना जो है पार्ट में बांटा गया है, क्या है उसमें लेसन है एनसीईआरटी? 14। 14 लेसन का नाम? 14 का हाँ प्रायिकता। 14 लेसन का नाम 1 से लेकर 14 तक बताइए। फंस गई, ये सब याद रखना चाहिए, कभी लेसन का नाम पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वीक्षक के तौर पर उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर प्रतियोगिता एग्ज़ाम कराने का जो है पर्पस क्या है, बच्चों के बीच में जो है क्या होती है, किस चीज़ का एग्ज़ाम है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट का बौद्धिक क्षमता बढ़ाना। स्टूडेंट मतलब क्या होता है? मतलब छात्र, विद्यार्थी। हाँ, उसी का मतलब बौद्धिक क्षमता बढ़ाना। इन लोगों को मतलब अति दिखाने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग का सर मतलब कहते हैं कि मतलब करवाएं और क्या, ये सब मतलब होता है, इससे ये लोग कर पाएंगे और क्या। तो हाँ। मैम कब से एग्ज़ाम ले रहे हैं? अब अगले का तो नहीं पता, लेकिन इस बार का तो ये देख ही रहे हैं, फिर रिजल्ट होगा। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य यही कि मतलब और स्टूडेंट अच्छे से पढ़े। हाँ, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे शिक्षक लोगों ने जवाब दिया कि यह प्रतियोगिता एग्ज़ाम कराने से जो बच्चे में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बच्चों में हेजिटेशन दूर होता है। बाकी इसी के साथ बने रहें और इस वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर कोई सवाल रह गया हो बच्चों से रिलेटेड, शिक्षक से रिलेटेड अगर सवाल रह गया हो, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर डालेंगे, यथासंभव हमसे होगा तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। पुरस्कार भी जाएगा, और जब बच्चों को पुरस्कार मिलेगा तो उससे थोड़ा कम अंक लाने वाले जो बच्चे होंगे उनके मन में ऐसा उत्तेजना उत्पन्न होगा कि थोड़ा सा मैं भी अगले बार जो प्रतियोगिता होगा थोड़ा सा जब मेहनत ज्यादा करेंगे तो उस बच्चे कि मैं भी इस हक को अच्छा करेंगे, पंचायत का जिला का नाम होगा। कोई भी बच्चे यदि कहीं अच्छा अच्छा पोस्ट पर जाते हैं वाला योग्यता करावे, इससे भी और अच्छा अच्छा काम उसमें करें। आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो कि इस चैनल के द्वारा जो भी लोग देख रहे हैं उनका मेरा प्रणाम। देखिए हम लोग एक शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक से पहले एक छात्र हैं। अभी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जो देखें कि जो समस्या हम लोग झेल रहे हैं, ये समस्या आने वाले बच्चे लोग ना झेलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर के वजह से, दो नंबर के वजह से किन्हीं का रिजल्ट ना हो पाता है। तो हम लोग का एक प्रयास है कि वैसे छात्र जो 6 से लेकर के 10th में पढ़ाई करते हैं, वैसे लोग इसमें भाग लेकर के जो अपना क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जितना उनका अंक आएगा उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित करते हैं प्राइज़ के द्वारा। और सबसे
सभी छात्र और उन सभी स्कूल के शिक्षक को और उन सभी गार्जियन को मेरे तरफ से एक आप लोगों का वो कहा जाएगा कि आप लोग बहुत वो किए हैं कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजें एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले तो ये होता है कई बार कि हम लोग फर्स्ट स्टडी को चढ़ने से ही डरते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो अपने बच्चों को यहाँ भेजें, अपने छात्र को यहाँ भेजें, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये होगा बच्चे लोगों में कि जो अच्छे अंक लाएंगे उनको तो प्राइज़ मिलेगा, लेकिन जो बच्चे कम अंक लाएंगे उनको प्रेरणा मिलेगा, एक सीखने को मिलेगा कि हमारा कम नंबर क्यों आया, आखिर कमियां क्या है इसमें। इस प्रतियोगिता से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है जो क्लास टेंथ में है, उनको फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले महीना में फरवरी में, उनका एग्ज़ाम हम लोग इस बार लिए हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका जो कम नंबर आएगा, कम अंक आएगा, तो एक बार वो देखेंगे कि किस सिलेबस मेरा कम नंबर आया, अब वो उसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो छूटा हुआ है उनका उस पर फोकस करेंगे, तैयारी करेंगे, और आने वाला एग्ज़ाम उनका अच्छा नंबर आएगा। उसी के हिसाब से हम लोग का प्राइज अभी रखा है कि जो फर्स्ट रैंक लाएंगे उनको डेल कंपनी का लैपटॉप दिया जाएगा, जो सेकेंड रैंक लाते हैं उनको LCD, और जो थर्ड लाएंगे उनको मिक्सर मशीन दिया जाएगा, जो जूनियर बच्चे हैं उनको फर्स्ट प्राइज साइकिल है, सेकेंड मिक्सर मशीन, और थर्ड जो प्राइज है वो सेलिंग फैन है। इसके अलावा हम लोग टॉप 10 तक जो बच्चे अंक लाएंगे उन सबको प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और अलग किए हैं कि जो बच्चे 70% से ऊपर उन सभी को हम लोग प्राइज़ दे करके उनको सम्मान किया जाएगा।